द्वारका डे टू रुक्मिणी मंदिर। दुर्वासा जी बोले कि जिस रथ में आप दोनों आए वो रथ में अश्व जोड़े, रथ में से घोड़े को निकालो और आप पति पत्नी दोनों रथ में जोड़े। दुर्वासा जी का आज्ञा का भगवान ने पालन किया। आधा रास्ता पर रथ आने पर रुक्मिणी जी को पानी का प्यास लगी। तब कृष्ण जी से बोली कि नाथ आप मुझे पानी पिलाइए, अब मेरे से रथ आगे खींचा नहीं जाता। तब भूमि में भगवान ने अंगूठा जमीन में दबा के गंगा जी को निकाला। रुक्मिणी देवी ने पानी पी, बोली इतना हो गया कि रथ में बैठे दुर्वासा जी को पहले पानी पिलाना चाहिए। तो बिना आज्ञा बिना पूछे पानी पीने पर दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि आप पति पत्नी का 12 साल का वियोग हो जाएगा और द्वारी का भूमि में पीने का मीठा पानी नहीं मिले। तो आज भी ये जमीन में कुआ करो बोर करो खारा पानी निकलता है, यहाँ आने वाले यात्री लोग जल का दान करते हैं। आपका परिवार में से जो चल बचा वो पितृ देवता को मोक्ष मिले, कोई एक टैंकर पानी का दान करके पूरा दिन पानी पीवे 1000 रुपया लगता है, आधा टैंकर पानी का दान करो 500 रुपया होता है, 21 घड़ा का प्रसाद मिले और ये पैसा मीठा पानी का प्याऊ में उपयोग हुई, जिसमें गाय माता पशु पंछी राहदारी साधु सन्यासी हजारों यात्री लोग पानी पीवे, उसका पुण्य अपना पितृ देवता को मिले। बोलो रुक्मिणी माता की जय। चलते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, आज हर एक व्यक्ति को ज्ञान प्रसाद देंगे। गाइस ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें नंबर का है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ ये वाला, तो अभी हम आपको दिखाते हैं आगे का ज्योतिर्लिंग कैसा है क्या है, चलो देखते हैं। अच्छी खासी मंदिर है ये है गाइस मंदिर। अभी धूप तो वो साइड से है तो आपको मंदिर का कलर गेहूं है, तो आपको दिखाते हैं मंदिर। ये एंट्री है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से 8वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है ये एंट्री। अच्छा ऐसा फोटो, ये मूर्ति है बड़ी वाली, ये मंदिर है बहुत ही प्यारा बहुत ही सुंदर। तो ये यहाँ पे चप्पल स्टैंड है, हम चप्पल स्टैंड पे चप्पल उतरेंगे और आगे मंदिर में अगर रिकॉर्डिंग चालू हुई तो आपको दिखाएंगे। यस एक मिनट गाइस, ये बूट रख दिया मैंने, हम जा रहे हैं और मैं सबसे पहले भक्ति में आ गया। अब मोबाइल की रिकॉर्डिंग, ये ऐसा मंदिर है, अभी देखते हैं अगर रिकॉर्डिंग रही तो आपको दिखा देंगे। और शायद से मंदिर में अलाउड नहीं कैमरा, यहाँ से एंट्री है मंदिर के, बाबा के पीछे से जाएंगे हम। थक गया आते आते, बहुत ही प्यारा मंदिर है ये, ऐसी एंट्री यहाँ से जाते हुए केज बने हुए। वन साइड से लोग आते हुए, अगर कैमरा बंद हुआ तो हम कैमरा बंद करके आपको बाहर से दिखा देंगे। नहीं मोबाइल अलाउड नहीं है, कहाँ से एंट्री ठीक ही है, कैमरा नॉट अलाउड, चलो देखते कभी ये मोबाइल कैमरा, ये मंदिर है।
ये पॉज करके कर लेना है। ये गाइस मंदिर के अंदर ऐसे है बुक्स भी है भगवान के, चांदी के आइटम, ये ऐसी थाली है, पर मैं सिर्फ हाथ जोड़ूंगा माथा टेकूंगा, ऐसे बने हुए नाग। अच्छा महादेव और ये नाग, महादेव और पार्वती नाग नाग और नागिन बने थे और उन्होंने कोई तो भी राक्षस का नाश किए थे। ये ऐसी ऐसी थाली, यहाँ से लाइन लग रही है। दर्शन दूर से होते जैसे ओमकारेश्वर उज्जैन में जैसे दूर से दर्शन होते वैसे यहाँ से हो रहे हैं, जैसे ओमकारेश्वर उज्जैन में दर्शन होते वैसे यहाँ पे भी दूर से हो रहे हैं। देखते रहिए चैनल पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपके दर्शन हो गए नागेश्वर मंदिर के, कभी भी आओ गुजरात में तो आओ, द्वारका के पास में है। अब ये बाकी के कहाँ पे है? अच्छा बाकी के उधर लाइन में खड़े हैं। यहाँ से नंदी जी के, नंदी जी वहाँ पे बैठे हैं। नागेश्वर मंदिर के बाहर का नज़ारा, पेड़, बहुत ही सुंदर मौसम है, सही मौसम है, गजब मौसम है। यहाँ से एग्जिट है तो हम यहाँ से जाते हैं, बस तुम यहाँ बहन। यहाँ से बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वाह, ये है नदी पीछे की, लेक बोल रहे हैं यहाँ पे, पर मैं तो नदी बोलूँगा, बहुत ही सुंदर मंदिर के पीछे की लेक। ये मंदिर का बैक ऐसा मंदिर है, बैक साइड में सेम द्वारकाधीश जैसा मंदिर है, मतलब झंडा, झंडा बोलेंगे या ध्वज बोलेंगे। ये भी पढ़ लेना पॉज करके जिसको समझ में आता है। यहाँ पे खाने का या किसी का घर लगता है ये मंदिर। ये साइड अभी मैं बाहर जाऊंगा और थोड़ा टाइम पास करूंगा। मेरे जूते कहाँ है मेरे जूते, किसी ने तो भी ख़राब कर दिया यहाँ पे। बेस्ट सीज़न ये बेस्ट सीज़न लगता है मुझे दर्शन करने का। अभी एक सब्सक्राइबर, एक आदमी सब्सक्राइब किया मेरे वीडियो को, और ये हम जा रहे हैं अभी महादेव के मूर्ति के उसमें, ये वाले और ये मंदिर की एंट्री। अभी हम जूते पहनेंगे और वहाँ पे जाएंगे। ये मंदिर हम ऐसा यहाँ से गए और ऐसा घूम के हम यहाँ से आए। ये लड़की भाग, ये हमारे जूते यहाँ पे रखे हुए, यहाँ पे, यहाँ से भी एग्जिट है, हमें पता नहीं चला, हम वहाँ से गोल घूम के आ गए। चलो ठीक है, एक चक्कर ज़्यादा की हो गई। ये हम जा रहे हैं अभी महादेव के मंदिर के। लोग यहाँ पे गाय को खाना दे रहे हैं, जो चावल है और कुछ तो भी बाजरा है ये दे रहे हैं। ये गाय आगे सब, कबूतर को भी खाना देते हैं हमारे मंदिरों में, गाय कबूतर और कुत्ते भी देखे थे उधर मैंने कहा पे तुम्हें। गुजराती में कुछ तो भी लिखा है, मुझे गुजराती समझते नहीं, पर बोली भी समझती, पढ़ी भी नहीं समझती। ये ऐसा मंदिर है, ये देख लो मेरे बैक साइड, ये इतना बड़ा मंदिर है। चलिए फिर आगे जाते हैं, हम हो गया हमारा वीडियो यहाँ पे। सब लोग एकदम खुशहाल मूड में, उसके बाद में
गाय भी है यहाँ पे। अभी वो सब्सक्राइब किया हुआ बंदा मिल नहीं रहा है, देखते हैं। एक सब्सक्राइबर बढ़ गया तो धीरे धीरे छोटी छोटी गाय। अभी मैं मेरा हो गया, मेरा वीडियो यहाँ पे समाप्त। देखते हैं, मिलते हैं भाई, आगे का दिखाता हूँ आपको। वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। यहाँ पे ऐसे साँचे मिलते हैं हिंदी के ढेर, लोग डायरेक्ट आंग पे आते हैं।